चलिए विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई आज शिक्षक दिवस की। और हम चाहते हैं कि आप सब विद्यार्थी, सब बच्चे मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और देश को बहुत तरक्की की ओर ले जाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं के गणित विषय को 6 यूनिट में विभाजित किया है। सितंबर माह में उन्होंने 3 चैप्टर को आधार बनाया है, बहुपद को, रैखिक समीकरण को और वर्ग समीकरण को। तो हम इन तीनों समीकरण को मिलाकर कंबाइंड पढ़ेंगे, हम इन तीनों चैप्टर को एक चैप्टर मानेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आया हुआ है, यदि px बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 हो तो P3 का मान बताओ, P3 का मान बताओ। ये प्रश्न 1 नंबर का आया हुआ। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए आप। ये है PX, x² धन 3x धन 2। तो यहाँ P का मान 3 रखना है, x का मान 3 रखना है, मतलब ये 3 का वर्ग धन 3 × 3 धन 2, इसको हल करना है। प्रश्न है, यदि px बराबर x² धन 3x धन 2 हो तो p3 का मान बताओ। तो कैसे करेंगे हम, x को 3 से हटाएंगे तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9, और 3 × 9 और ये 2, तो ये 20 आ गया। 20, क्या ये हमको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा निश्चित रूप से। Px का मान ज्ञात करना था, प्रश्न था। यदि Px बराबर x² धन 3x धन 2 हो तो P3 का मान बताओ। तो जहां जहां x आया है उस x के बदले 3 से हटाएंगे। x वर्ग है तो 3 का वर्ग हुआ धन 3 × 3 धन 2, तो इसको हल किए तो 20 आ गया। क्या ये प्रश्न समझ में आ गया? यदि आ गया तो चैट बॉक्स में हाँ लिखें। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से आ गया होगा। अमित महिलांग, अमित आपको समझ में आया? अमित, अमित आपको समझ में आ गया? भरत, यस सर। हाँ सर, आता। जीत, यस सर। प्रश्न था px बराबर x² धन 3x धन 2 हो तो p3 का मान निकालो। पूर्वंशी, यस सर, समझ आ गया। शालिनी, कितना सर, साहिल, साहिल, शालिनी, 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 समझ में आया? हेलो, समझ में आ गया शालिनी? यस सर, आ गया। शशिकला, यस सर, आ गया। चलिए मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइंड कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम को सितंबर से फरवरी तक 6 महीनों में विभाजित कर दिया है। पहले महीने में बहुपद, रैखिक समीकरण, वर्ग समीकरण पढ़ना है और इस पर आपको प्रश्न दिया जाएगा। उस प्रश्न को आंसर कॉपी में लिखकर अपने टीचर के पास जमा करना रहेगा स्कूलों में, तभी आपको नंबर मिलेगा और इसके मार्किंग होते जाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और हम इन तीनों चैप्टर के बारे में पहले परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आए हैं उसको देखते हुए बना रहे हैं।
तो पहला प्रश्न आया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर धन तीन एक्स धन दो हो तो पी थ्री का मान निकालो। ऐसे ही प्रश्न हो सकता है इसमें पी टू का मान निकालो, पी वन का मान निकालो, पी माइनस वन का मान निकालो, तो निकाल सकते हैं। अगर पी टू का निकालना हो तो क्या रखेंगे, दो रखेंगे। ये देखिए अब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, चार धन छह धन दो बारह आ जाएगा। अगर एक रखना हो तो क्या रखेंगे, तो ये आ जाएगा एक धन एक, एक धन तीन धन दो, तो ये छह आ जाएगा। ऋण एक रखेंगे तो क्या आएगा, ऋण एक का वर्ग धन होगा, ऋण तीन होगा दो होगा, तो शून्य आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए, बन जाएगा तो चैट बॉक्स में हाँ लिखें। आगे बढ़ते हैं, तो बहुपद हम 12 नंबर का कोर्स करने जा रहे हैं 12 मास का, तो 1 मास हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रश्न आया हुआ है, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण दो एक्स धन एक बराबर जीरो का विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेट ज्ञात करो। ये आपका एक नंबर का प्रश्न आया हुआ है 1 मास का, विभक्तिकर निकालना है। ध्यान से सुनिए, पहले हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो क्या बता सकते हैं, ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बी का मान ऋण दो एक्स का गुणांक बी होता है, और सी का मान 1। विभक्तिकर का सूत्र आप सबको पता है, आप सबको मालूम है ये विभक्तिकर का सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलिए मान रखिए और जल्दी निकाल के बताइए कितना आएगा विभक्तिकर, मान रखिए। गुड, आप सब जवाब दे रहे हैं लगातार, वेरी गुड। चलिए मान रखते हैं, बी का मान क्या रखेंगे, ऋण दो ऋण चार ए सी, तो ऋण दो का वर्ग 4 और ये 4, यानी क्या आ गया विभक्तिकर 0। बहुत बढ़िया जी, जवाब दे रहे हैं आप, आपके मित्र भी सब जवाब दे रहे हैं, आप सबको बधाई। तो क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग को समझ में आ रहा है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम अभी तक 2 नंबर पा गए, एक बहुपद में एक विभक्तिकर में। मैं 12 नंबर देने की कोशिश करूंगा इस क्लास में। चलिए क्या ये समझ में आ गया, यस कहें तो मिटाऊंगा मैं ब्लैक बोर्ड, नो कहेंगे तो रुकूंगा। क्या आप ब्लैक बोर्ड मिटा दें, गुड, बताइए यस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेपर से क्या आया हुआ है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और रैखिक समीकरण और आपका वर्ग समीकरण। ये आया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करो। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 मास का प्रश्न है। प्रश्न वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है 2020 मार्च में, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले मैं बता दूं वर्ग समीकरण का जो स्टैंडर्ड मूल रूप है ये वर्ग समीकरण कहलाता है, वर्ग समीकरण। और इसमें मूलों मूल जो है, मूल क्या होता है, एक मूल को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा पढ़ते हैं अल्फा और इसको बीटा। योगफल, योगफल यानी दोनों को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है ऋण बी बटे ए। और गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा बीटा, इसका सूत्र होता है सी बटे। अब इससे हम समीकरण की तुलना करेंगे, 3x स्क्वायर
माइनस फाइव एक्स प्लस टू की तुलना करेंगे तो क्या क्या आएगा, ए बराबर बोलो तीन, बी बराबर ऋण पांच और सी बराबर दो। क्या यहां तक समझ में आया? ए का मान तीन, बी का मान ऋण पांच, सी का मान दो। अब हमको पहला निकालना है योगफल, अल्फा प्लस बीटा सूत्र लिख दिए, ऋण बी बटे ए, बी का मान ऋण पांच है, ए का मान तीन है, ऋण और ऋण धन हो गया, ये योगफल आ गया पांच बटे तीन। गुणनफल, सूत्रों में मान रखना है, गुणनफल अल्फा सी बटे ए, सी का मान ढूंढिए क्या है, सी का मान टू, ए का मान थ्री, तो ये आ गया टू बाई थ्री। फिर से देखिए, दिए गए प्रश्न की तुलना करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, मैंने हिंदी में भी लिख दिया अल्फा बीटा, माइनस बी बटे ए, बी का मान ऋण पांच और ऋण पहले से है, दोनों मिलके प्लस हो गया फाइव बाई थ्री। गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, सी की वैल्यू टू, ए की वैल्यू थ्री, टू बाई थ्री। अगर इस क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़े तो फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर मैं जानना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों से, क्या हम समझ पा रहे हैं? वेरी गुड, आप सबने जवाब भी निकाला है, मैं सबको इंडिविजुअल बधाई नहीं दे रहा, समझ में हम सबको आ रहा है, निश्चित रूप से समझ में आ रहा है हमको, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में? चलिए, प्रश्न था 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 में मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करो, तो प्रश्न को हम ax² धन bx धन c से तुलना करेंगे, abc लिख लेंगे, फिर ये फार्मूला है इसमें हम मान रख देंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा? यस आर नो में लिखें चैट बॉक्स में। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रुक जाओ ना, आप सबको वीडियो मिल जाएगा, मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, ध्यान दें समय का, वीडियो से आप आराम से देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करें, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 को सूत्र विधि से हल करना है, सूत्र विधि। अब प्रश्न उठता है, सूत्र विधि है क्या? तो आपको बता दूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में सूत्र विधि लगता है, और सूत्र विधि है x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र विधि है। ध्यान से देखिए, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, क्लियर है? अब इसकी तुलना करिए, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 की तुलना करेंगे किससे, तो हमें मान मिल जाएगा, a बराबर क्या मिलेगा, 9, b बराबर ऋण 3 और c बराबर ऋण 2। अब यहां पे मान रख रहे हैं x इक्वल टू b का मान, b देखिए माइनस 3 है, b स्क्वायर
माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू नौ, सी की वैल्यू माइनस टू अपान टू ए, ए ढूंढिए नाइन, फिर से मिला लीजिए। ये सूत्र में मान रख रहा हूं बी का मान माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए नाइन है सी माइनस टू है, यहां तक क्लियर। अब क्या होगा एक्स बराबर ऋण और ऋण धन तीन हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और ये माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट, एट नाइन जा सेवेंटी टू, कितना होगा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स टू जा सेवेंटी टू अपान अठारह एटी, थ्री प्लस माइनस दोनों को जोड़ देंगे एट्टी वन आ जाएगा। अब इक्यासी, एट्टी वन का स्क्वायर रूट निकालना है वर्गमूल, एट्टी वन का स्क्वायर रूट निकालना है तो थ्री प्लस माइनस नाइन हो जाएगा। अब धन चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर एक्स बराबर क्या होगा तीन धन ऋण, धन चिन्ह ले रहे हैं तो धन नौ बटे अठारह यानी बारह बटे अठारह यानी दो बटे तीन, ऋण चिन्ह लेने पर एक्स बराबर तीन ऋण नौ बटे अठारह, ऋण छह बटे अठारह, छह कम छह तिया ऋण एक बटे तीन, तो एक्स का मान आ गया, एक्स का मान हमारा आ गया एक्स बराबर दो बटे तीन कामा ऋण एक बटे तीन, ये उत्तर है। फिर से देख लीजिए नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू का वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे, ए का मान नौ, बी का मान ऋण तीन, सी का मान ऋण दो। सूत्र विधि में सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, बी का मान माइनस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए का मान नाइन सी का मान माइनस टू, इसको हमने हल कर दिया। इसके बाद हमने एक बार ये वाला जो दो चिन्ह है धन और ऋण उसमें एक बार धन चिन्ह लिया तो ये तीन धन नौ हो गया, यहां पर एक गलती है ये रूट हट जाएगा क्योंकि इक्यासी का वर्गमूल हमने नौ लिख लिया है, इक्यासी का वर्गमूल नौ होता है, वर्गमूल गलती से लगा था हमने हटा दिया, तो तीन और नौ बारह, बारह बटे अठारह दो बटे तीन और तीन ऋण नौ, ऋण छह बटे अठारह ऋण एक बटे तीन, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सही है आंसर। अब देखते हैं आप में से कितने लोग को समझ में आया नहीं आया, बात करते हैं। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें अगर समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। जीत को समझ में आ गया, पूर्वशी पूर्वंशी को भी आ गया, नीरज अमित बाकी लोगों को क्या समझ में नहीं आया, साहिल को भी आ गया, अंसारी को भी आ गया, भरत को भी आ गया, तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है हम सब समझ सकते हैं। बस ये आपका जादू, ये मैजिक है, ये सूत्र है, इसको आप दिमाग में बिठाएंगे धीरे धीरे, ये डब्बा माइनस बी प्लस माइनस यहां तक, यहां तक ये फार्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फार्मूला है। धीरे धीरे चार पांच क्वेश्चन जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको छह नंबर दे दिया है, सिक्स मार्क्स, ये क्वेश्चन चार नंबर में भी आ सकता है, दो में भी आ सकता है, तीन में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुपद में और क्या प्रश्न आया है देखते हैं। चलिए एक प्रश्न मेरे सामने और रखा हुआ है, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग
करने पर शेष फल शून्य आएगा। इसमें शेष फल प्रमेय का उपयोग करो नहीं लिखा है, इसको भाग देने पर भागफल शेष फल शून्य आएगा। तो कैसे भाग देंगे, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन है, इसको मुझे भाग देना है एक्स ऋण एक से। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। 4x³ + 3x² + 2x - 9 इसको भाग देना है किससे, x माइनस वन से। एक यहां पर देखिए एक्स क्यूब के सामने चार लिखा है तो चार लिख दीजिए, यहां भाग तीन है, पावर तीन और यहां पावर एक है, तो तीन में से एक को घटा दें तो दो, तो 4x² लिख देंगे। अब 4x² का x माइनस वन से इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, जरा बताओ, 4x³ हो जाएगा और माइनस 4x², इसको यहां लिख देंगे 4x³ - 4x² फिर से सुन लो आप, एक बार आप समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से सुनिए आप, एक्स क्यू के सामने चार है तो चार लिख दिए, थ्री रहता तो थ्री लिख देते, टू रहता तो टू लिख देते, यहां पावर थ्री है यहां पावर वन है तो दोनों का अंतर डिफरेंस टू। इस 4x² का x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² का x से मल्टीप्लाई 4x³ और 4x² का माइनस वन से मल्टीप्लाई माइनस 4x², दोनों को लिख दिया। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों समान और विपरीत चिन्ह होने से विलोपित हो गए, अब ये 4x² और 3x² 7x² हो गया, और ये बाकी को मैं ड्रॉ कर लूंगा, उतार लूंगा। अब बताओ मुझे क्या करेंगे, यहां 7 है तो 7 लिख दो, यहां पावर 2 है यहां पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 7x का गुणा x ऋण 1 से करना है तो क्या होगा बताओ, 7x और x का गुणा 7x² और माइनस 7x, यहां लिख देते हैं 7x² माइनस 7x, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में फिर से क्या होंगे, विलोपित हो जाएंगे, ये प्लस 7x प्लस 2x 9x हो गया और ये माइनस 9। फिर से देखिए आराम से देखिए, ये प्लस 7x 2x, अब x के सामने 9 है और यहां x का गुणा पावर 1 है, यहां पावर 1 है इसलिए x नहीं लिखेंगे। अब 9 का गुणा x माइनस 1 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9 हो गया, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए घटा दीजिए तो माइनस प्लस, प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9x माइनस 9x 0। जब 0 आ गया शेष फल शून्य आ गया, यही सिद्ध हमको करना था। एक मेथड ये, और इसी मेथड से आप बनाएंगे तो नंबर मिलेगा क्योंकि भाग लिखा है यहाँ पर, तो भाग करने पर शेषफल में हम भाग, शेषफल प्रमेय में हम भाग नहीं देते, सीधा वैल्यू रखते हैं। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, x माइनस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो x बराबर एक आ जाएगा। अब यहाँ पर 4x³ + 3x² + 2x - 9 x का मान एक रख दूंगा तो 4 1³ + 3 1² + 2 1 - 9 ये 4 + 3 + 2 - 9 ये तीनों को ऐड करेंगे ये जीरो आ गया, बट ऐसे बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि भाग देने पर लिख रहा है तो भाग करना पड़ेगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर ये प्रश्न लिखता शेष फल प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध करो तब ये सही था, और शेष फल प्रमेय 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, 10th में भाग भी दिए है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उसके अनुसार हमें जवाब देना है। फिर से सुन लीजिए क्या किया हमने, 4x³ 3x² 2x - 9 को x माइनस वन से भाग देना था, एक्स क्यू के सामने चार है, घात तीन है, तीन और एक का अंतर दो हुआ, 4x² का गुणा x ऋण एक से किए तो 7x² माइनस ये आया, 4x³ - 4x² आया, उसको घटा दिए तो ये आया, फिर उसके बाद हमने 7x से मल्टीप्लाई किया 7x² - 7x, फिर घटाए
फिर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से प्रश्न बन गया। ऐसे प्रश्नों में बनाने के लिए, ऐसे प्रश्नों में कमांड लाने के लिए आपको बहुत धैर्य का काम, धैर्य के साथ प्रश्नों को बनाना होगा। मैं भी एक प्रश्न और लिखता हूं आपके सामने, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं अभी तक हम लोग बहुपद और वर्ग समीकरण पे ही प्रश्न कर रहे हैं, रैखिक समीकरण बनाएंगे। क्या हमको समझ में आ रहा है? देखते हैं चैट बॉक्स में आपका जवाब क्या है, क्या हमें समझ में आ रहा है? विद्यार्थियों क्या हमें समझ में आ रहा है? आ रहा है, लेकिन आप कमांड या इसमें परिपक्वता या इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड तभी बन पाएंगे जब आप बहुत सामान्य ढंग से प्रश्न करेंगे। मैं भी एक प्रश्न लेता हूं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको इंडिया में बेस्ट करने के लिए माहौल दे रहा हूं। आप विद्यार्थी हैं, प्रश्नों को गंभीरता से लें। जैसे एक प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब, इसको एक्स धन दो से भाग देना है। प्रश्न है, केवल भाग देना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पावर कुछ नहीं है, 1 है। 3 और 1 का अंतर 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर से इसको गुणा करना है। ये देखिए एक्स स्क्वायर और कोष्टक में एक्स धन दो, तो गुणा करो। तो घातांक नियम आप पढ़े हो 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में, घात आपस में जुड़ जाते हैं आधार बराबर होने पे, तो एक्स क्यू हो जाएगा और ये 2x2। तो यहां मैंने लिख दिया एक्स क्यू प्लस 2x2। अब इसको घटा देंगे तो चिन्ह बदला, ये विलोपित। अब ऋण 2x2 और x2 क्या हुआ? ऋण x2, धन x, धन 1। अब ये ऋण है तो ऋण लगा दिए, यहाँ घात 2 है घात 1 है तो x लेंगे। अब ऋण x का गुणा x धन 2 से करना है, तो ऋण x स्क्वायर ऋण 2x, तो यहाँ लिख दीजिए ऋण x स्क्वायर ऋण 2x। फिर इसको घटा दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये विलोपित हो जाएगा, 3x प्लस 1। अब यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए, इससे गुणा करिए तो 3x प्लस 6 आ गया, ये -5 शेष फल आ गया, -5 शेष फल। यानी हम कह सकते हैं x धन 2 एक्स क्यू धन एक्स स्क्वायर धन एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। शेष फल जब सुनने नहीं आता तो हम कहते हैं गुणनखंड नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, विश्वास रखो। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ी चाबी है अपने पर विश्वास रखना। आज बिल्कुल विपरीत दिशा में हम सब चल रहे हैं, हम दूसरों पे विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास अपने पे करें। अगर हम कोशिश करेंगे रोज कोशिश, 1 नंबर की रोज कोशिश करो, अभी भी 100 दिन बचा है एग्जाम में, 100 दिन कम से कम, उससे भी ज्यादा रोज 1 नंबर का प्रयास करो। सभी विषय में प्रण कर लो, मैं जब तक 1 नंबर की पढ़ाई ना कर लूं मैं चैन से नहीं बैठने वाला, ये दिमाग में बिठा लो। क्या समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं पेपर में, और क्या क्वेश्चन आया है देखते हैं। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं टाइम हो गया है, सर अभी भी क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय सबका कीमती है, 2 मिनट अभी बचा हुआ है मेरे। मैं लेट स्टार्ट किया, मैं लिंक भेजना शायद इसलिए छोड़ दिया था कि मैं देखना चाहता था पीटीडी से, पढ़ाई तुहर द्वार से आप लिंक हो सकते हो, क्योंकि मैंने वहां लिंक कॉपी कर दिया है, तो कई बार आपको डायरेक्ट वहां से कॉपी कर लेना था। जैसे कि पूर्वंशी और 2 स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑलरेडी बिना लिंक भेजे भी ज्वाइन कर लिए थे, तो आपको पीटीडी पढ़ाई तुम्हार द्वार में जब आप विद्यार्थी अपने को खोलते हैं तो वहां पर आपको क्लास दिखता है कौन कौन सी क्लास है आपकी, तो आप डायरेक्ट वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखते हैं क्या प्रश्न आया हुआ है इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड। एक प्रश्न आया है 6 नंबर का, बनाए हिम्मत है बनाते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र
की आयु की तिगुनी तिगुनी थी 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु का दुगनी हो जाएगी। मेरी व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मेरी व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मैं आपको 2 मिनट समय दूंगा, ध्यान से सुनिए। मैजिक क्या होता है, जादू क्या होता है, पढ़ने का जादू। वर्तमान, वर्तमान यानी आज, अभी इस वक्त। हम मानते हैं पिता को एक्स मानते हैं और पुत्र को मान लीजिए वाई मानते हैं। आयु माना, पिता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पूर्व। उदाहरण के लिए आज 2020 है, 5 वर्ष पहले कौन सा वर्ष रहा होगा? 2015 पूर्व, पहले। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा भाई? पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व, बताओ। 5 घटा दो, एक्स ऋण 5 वर्ष, और पुत्र क्या हो जाएगा? वाई ऋण 5। क्यों होगा? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पिता 3 गुना था, ये पिता, ध्यान से सुनो, और ये पुत्र, ये दोनों को हमें बराबर करना है। पिता ऑलरेडी 3 गुना है, तो पिता में 3 गुना नहीं करेंगे, पुत्र में 3 का गुना करेंगे। तो पिता क्या है? एक्स ऋण 5, पुत्र में 3 का गुणा किया और वाई ऋण 5। कोष्टक खोल दिए, एक्स ऋण 5 बराबर 3y ऋण 15। पक्षांतर कर दिए, एक्स ऋण 5 ऋण 3y ÷ 15 बराबर 0। पक्षांतर, तो ये क्या हो गया? एक्स ऋण 3y ऋण 5 और धन 15 धन 10, और इसको लिख सकते हैं एक्स ऋण 3y बराबर ऋण 10। ये एक समीकरण आ गया। अच्छे से सुनिए, 5 वर्ष पूर्व दोनों को 5 से घटा दिए, पिता 3 गुना था, पुत्र को 3 से गुणा किया। कोष्टक खोले, समीकरण तक पहुंच जाएंगे। अब प्रश्न कहता है 10 वर्ष पश्चात पिता क्या होगा? 10 वर्ष पश्चात x+10 और पुत्र क्या होगा? y+10। अब पिता दुगना है पुत्र से, पिता ऑलरेडी दुगना है, तो दुगना हम किसको करेंगे? पुत्र को, ताकि बराबर हो जाए। तो x+10 = 2y+10। अब इसको कोष्टक तोड़िए, x+10 = 2y ÷ 20, y 2y को पक्षांतर करिए, x ऋण 2y = 10 को उधर पक्षांतर करिए, 20 ऋण 10। तो एक समीकरण आ गया, x ऋण 2y = 10। अब रैखिक समीकरण हल करना हमें आना चाहिए। रैखिक समीकरण 3 विधि से हल करते हैं, 3 मेथड से। पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा वज्र गुणन। तो देखो, यहां x दोनों बराबर हैं, मैं सिखाऊंगा समीकरण हल करना। x के गुणांक बराबर है और समान चिन्ह है, तो घटाने पर x विलोपित हो गया, धन 2y और ऋण 3y ऋण y हो गया, और ये ऋण 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, y का मान 20 आ गया, यानी पुत्र की उम्र 20 वर्ष आ गया। अब पिता निकाल लेते हैं, पहले समीकरण में रख लेते हैं, x ऋण 3 = 20 ÷ ऋण 10। तो x ऋण 60 = ऋण 10, तो x = ऋण 10 धन 60, यानी x = 50। पिता की आयु 50 वर्ष आ गया और पुत्र की आयु 20 वर्ष। अब जांच करो, तो
पांच वर्ष पहले पिता क्या होगा 45, पांच घटा दीजिए, और पुत्र क्या होगा 5 घटा दीजिए 15, 3 गुना है 10 वर्ष पश्चात, 50 में 10 जोड़ दो 60, 20 में 10 जोड़ दो 30, दो गुना हो गया। तो आप देख रहे हैं रैखिक समीकरण में बड़े बड़े प्रश्न आएंगे 6 नंबर। तो आज मैंने पूरा 12 नंबर के क्वेश्चन आपको हल कराया, लेकिन आप निर्भर करता है कि आप कितने समझ पाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब पढ़ाई में एकाग्रता और परीक्षा से रिलेटेड प्रश्नों के आधार पर पढ़ाई करना होगा। कई बच्चों को बहुपद समझ में नहीं आया होगा, कईयों को वर्ग समीकरण नहीं आया होगा, कईयों को रैखिक समीकरण, क्योंकि आप यदि स्टार्ट ही नहीं किए हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिवस हम सबको अपने जीवन में कुछ अच्छे करने का अवसर प्रदान करता है, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देश को आगे ले जाएं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभकामनाएं। सर जी, टीचर्स डे सर। हाँ बोलिए। हैप्पी टीचर्स डे सर। आप सबको भी शुभकामनाएं। टीचर्स की परिभाषा तभी है जब विद्यार्थी हैं, तो शुभकामनाओं का हकदार आप सब हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।